हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मास्टर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एपिकाक के बारे में, जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा क्या इसके मुख्य लक्षण हैं जिनके आधार पर दवाई का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में तब बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले मिचलाहट से रिलेटेड किस प्रकार की कंडीशंस होती हैं एपिकाक मेडिसिन के रोगियों में। नई बीमारियों पर एपिकाक मेडिसिन का पूर्ण प्रभाव होता है। इसकी शिकायतें मन की मिचलाहट और उल्टी के साथ शुरू होती है। सदैव मन का मिचलाना एपिकाक मेडिसिन का स्वभाव है, और उल्टी ही हो जाने पर भी मन का मिचलाना दूर नहीं होता है। उल्टी करने के पहले और बाद भी मन का मिचलाना एक सा बना रहता है। रोग चाहे कोई भी क्यों ना हो, मन मिचलाने पर एपिकाक मेडिसिन सदैव उपयोगी होती है। जुकाम, खांसी, बुखार, रक्तस्राव, पतले दस्त इत्यादि किसी भी रोग के साथ उबकाई रहने पर एपिकाक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको 100% फायदा होगा। एपिकाक मेडिसिन के जो रोगी होते हैं उनको उल्टी के साथ कोई खासा खाया हुआ पदार्थ नहीं निकलता है, सिर्फ पित्त वमन होता है। पिया हुआ पानी पित्त के साथ निकलता है, मुंह कड़वा हो जाता है, खाली डकारें आती हैं और बार बार इस कदर उबकाई आती है कि पेट की सारी नसें तन जाती हैं और दर्द होने लगता है। रोगी लगातार उबकाई के कारण व्याकुल हो जाता है, किसी तरह से चैन नहीं मिलता, इसमें प्यास नहीं रहती है। नई बीमारियों के साथ मिचलाई और उल्टी होने पर एपिकाक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। पुराने रोगों के साथ मिचलाई और उल्टी होने पर वेरेट्रम एल्बम लाभदायक मेडिसिन है। तो दोस्तों, यहाँ पर एपिकाक मेडिसिन और वेरेट्रम एल्बम मेडिसिन का यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन किया गया, जिसको आपको ध्यान से समझ करके दवाई का चुनाव करना है, जिससे कि आपको 100% फायदा होगा। दोस्तों, एपिकाक मेडिसिन के प्रधान लक्षणों में से एक लक्षण यह भी है कि पेट की सारी अतड़ियों में इस कदर असर पहुंचता है और रोगी ख्याल करता है कि मेरा पेट और सारी अतड़ियां ढीली होकर लटक पड़ी हैं। तो दोस्तों, यह भी एक प्रकार का मुख्य लक्षण है जिसके आधार पर आप दवाई का चुनाव कर सकते हैं। चर्बी या अधिक घी या तेल से बना हुआ खाना, गोश्त, मिठाई इत्यादि भारी शकील खाना, अनियमित रूप से भोजन करने के बाद ना पचने से पीड़ा होने पर एपिकाक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। इससे अत्यधिक लाभ होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर से पूछे, मैं उसका जल्द से रिप्लाई करूँगा। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को क्लिक जरूर से करिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।